अगर दोस्तों आपका भी आधार कार्ड बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि जितने भी आधार कार्ड वाले हैं सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना होगा, नहीं तो उसका आधार कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो भी निकल कर आ चुका है, बहुत दिन पहले से ही बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा रहे, नहीं तो आपका यहाँ पर जो है कि आधार कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14/9/2023, यानी ये 14/9/2023 तक ही आप यहाँ पर जो है कि अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। उसके बाद उसमें आपका हो सकता है यहाँ पर 500 या 1000 रुपया आपका यहाँ पर बांध दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो कि फ्री में होगा नहीं। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो आप लोग हम बताने वाले हैं कैसे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना है और इसका लास्ट डेट जो था दोस्तों आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों उसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, आप अपने मोबाइल में किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है माई आधार, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना माई आधार पोर्टल वाले ऑप्शन पे, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर आ जाएगा, या नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तभी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर पाएंगे, नहीं तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसका जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करना है, उसके बाद ये जो कैप्चा है आप यहाँ पर देख देख कर इंटर करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऊपर में ही यहाँ पर देखिए नोटिस दे दिया गया है कि आपका आधार कार्ड जो है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना होगा, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, दोनों यहाँ पर दे दिया गया, आपको ऊपर में ही नोटिस दे दिया गया है। अगर आपका भी यहाँ पर पुराना आधार कार्ड होगा तो आपको यहाँ पर नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर भी देखिए दिया गया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में 14/9/2023 तक ही आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं फ्री में, उसके बाद आपको यहां पर चार्ज लगेगा, यानी तो आपका यहां पर आधार कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट आ चुका है, आपको पता होगा कि आज जो है कि यहाँ पर कितना तारीख हो गया है, और यहाँ पर दोस्तों आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पर 8 से 9 दिन और बचा हुआ है। आप जितना जल्द हो सके अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लें। करने के लिए आपको यहाँ पर जो है कि नीचे को स्क्रॉल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे में आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि आई वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना। जैसे टिक लगाएंगे उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना है, आपका यहाँ पर जो एड्रेस वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहले दिया गया है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ होगा 2 MB का होगा, और यहाँ पर जो कि JPG, PNG एंड PDF में किसी फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपका 2 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो कि पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। आपको करना क्या, आपको यहाँ पर क्लिक करना, सबसे पहले आपको यहाँ पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद लेबर कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, बहुत सारा आपको यहाँ पर ऑप्शन खोल कर आया, आपकी पैन कार्ड भी है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके पास है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद कंटिन्यू अपलोड, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी यहाँ पर आप पहले से खींच कर रखे होंगे पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर जो है कि अपने फाइल में चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आप यहां पर अपने फाइल से इसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपको यहां पर 2 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए। जब दोस्तों आप यहां पर अपलोड कर देते हैं उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मांगा जा रहा है प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपको यहां पर एड्रेस में कोई प्रूफ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा आप यहाँ पर देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या दोस्तों गैस कनेक्शन का बिल या इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ पासबुक, बहुत सारा आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर जो भी देना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पर देखिए लास्ट में वोटर आईडी कार्ड भी है, आप चाहे तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड भी सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए फिर से यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे आप फाइल में चले जाएंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टिक लगाना है, उसके बाद आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर ग्रीन हो जाता है आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर फ्री में अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड अब कर सकते हो, ठीक है। आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और दोस्तों यहाँ पर 14/9/2023 तक का ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो फ्री में, ठीक है। ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगे, इसलिए दोस्तों हमने आपको यहाँ पर क्लियर करके पहले ही बता दिया इसका समय जो यहाँ पर लास्ट हो चुका है। अगर दोस्तों वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बराबर पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।